आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक्सेल में मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज होता है, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका एबीएस का, मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस में लिखा तो इसको प्लस में कैसे किया जाए, तो प्लस में करने के लिए आप माइनस में ही इसको सेलेक्ट कर ले तो प्लस हो जाता है, लेकिन फिर अगर प्लस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आपके पास डेटा माइनस एंड प्लस में दोनों है, अब क्वेश्चन ये आता है कि माइनस और प्लस में डेटा आएगा क्यों, डेटा प्लस माइनस में क्यों आएगा। जैसे मान लीजिए प्लस वाला आपकी अर्निंग्स है और माइनस वाला आपका क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट की तो अर्निंग नहीं, मान लीजिए आपको अगर 30,000 की सैलरी मिली और 5,000 क्रेडिट कार्ड पे आपका डिस्काउंट मिला, तो टोटल अर्निंग आपकी तो 35,000 हुई ना। सेम उसी तरह से यहां भी इसी चीज को लागू किया जाता है। तो इसके लिए यहां पे हम एवीएस का फॉर्मूला लगाएंगे तो प्लस प्लस रहेगा और माइनस प्लस में चला जाएगा। एवीएस फॉर्मूला का काम यही है। एवीएस के बाद ये बाकी तो कॉस्ट एनिटा वगैरह है। एग्रीगेट फॉर्मूला ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट एग्रीगेट फॉर्मूला को सीखने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक डेटा और उससे पहले आपको सब टोटल के फॉर्मूले को सीखना हो। चलिए हम एक मिनट मैं डेटा को ओपन करता हूं। तो हमारे पास ये डेटा है, तो जनरली हम लोग फिल्टर लगाते हैं, हमने सिलेक्ट किया और हमने मान लीजिए कि एक रीजन को हम मान लीजिए फ्लोरिडा को सिलेक्ट कर लेते, तो हमारे पास फ्लोरिडा का डेटा होता है। हमारे पास डेटा है, अब मुझे इसमें से अगर मान लीजिए कि मैंने फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया का डेटा ले लिया, तो यहां पे इसका आता है, तो हम चाहते हैं कि सबसे लास्ट में हमें इसका टोटल दिखता रहे, हमने लास्ट में एक टोटल का फॉर्मूला लगा। और जाहिर सी बात है टोटल के लिए जनरली हम लोग सम का फॉर्मूला ही लगाते, तो मैंने यहां पर सम का फॉर्मूला लगाया और छोड़ दिया। लेकिन सम के प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या हुआ, फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि जब हम फ्लोरिडा को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि ये आपका 99.82 दिख रहा है, जबकि इसका टोटल कुछ और दिखना चाहिए, इसका टोटल दिखना चाहिए 15,670। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो सम है एक रेंज को सम करता है ना कि विजुअल सेल्स को सम करता है। हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि यहां विजुअल सेल्स को ही सम करे, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, सब टोटल। तो सब टोटल का फॉर्मूला हमने सिलेक्ट किया, सब टोटल में क्या चाहिए, तो सब टोटल में चाहिए हमें सम, क्योंकि सब टोटल से सम ही नहीं बहुत सारी चीज करता है, जो करना है उसका सिक्वेंस नंबर सिलेक्ट करें, जैसे कि मैंने 9 सिलेक्ट कर और इसको सिलेक्ट करके हम एंटर करते हैं, तो ये आपका 99.842 दिख रहा है। लेकिन जब मैं फिल्टर लगाऊंगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे वापस फ्लोरिडा ही सिलेक्ट करता हूं, तो आप देखेंगे कि 15,670 दिख रहा है। ओके, रजनीकांत जी, आफिया जी, समझ में आया कि हुआ क्या, सब टोटल ने क्या किया, सिर्फ विजिबल सेल्स को ही सम किया, जो फिल्टर में हिडन है उसको उसने सम नहीं किया, पहले चीज। लेकिन सब टोटल में भी एक प्रॉब्लम है,
यह सब टोटल नहीं, किसी भी तरह का फॉर्मूला आप लगाते हैं और फॉर्मूले में किसी भी तरह का एरर आ जाता है तो रिजल्ट आपका एरर ही होता है। तो अब मुझे यहां पे करना है कि मुझे एरर को भी इग्नोर करके इसका टोटल करना है, क्या कहेंगे कुछ भी करना है। उसके लिए हम सब टोटल का फॉर्मूला ना लगा के सब टोटल का ही सिमिलर फॉर्मूला है एग्रीगेट, उसको लगाऊंगा जो कि 2016 में नया है। एग्रीगेट में भी आपको सिर्फ समी नहीं और चीजें भी कर सकते हैं, और लेकिन इसमें एक और ऑप्शन देता है कि आप इग्नोर किसको करना चाहते, इग्नोर हिडन मतलब कि सिर्फ फिल्टरिंग का करना चाहते हैं या सिर्फ एरर का। हमने बोला कि इग्नोर हिडन एंड एरर वैल्यू, तो फिल्टर में जो डेटा है उसको भी इग्नोर करें और एरर को भी इग्नोर करें। और उसके बाद हमने अपने रेंज को सिलेक्ट, वापस फ्लोरिडा पे फिल्टर लगाता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे फॉर्मूला एरर को इग्नोर कर दिया। तो इस एग्जांपल में आपने दो फॉर्मूले सीखे, पहला सीखा आपने सब टोटल और दूसरा आपने सीखा एग्रीगेट। अधिकांत जी को डाउट इसमें आपको जी नहीं? चलिए बैक टू टॉपिक, अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। उसको अरेबिक का फॉर्मूला आता है, अरेबिक से पहले हमें रोमन चाहिए, जैसे हमने 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर रोमन नंबर में लिखते हैं, इसी में अरेबिक में लिखते हैं तो रोमन में चाहिए, तो आप यहाँ रोमन फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे तो आपका नंबर रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो वापस रोमन से नंबर चाहिए तो आप अरेबिक का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वापस अरेबिक में कन्वर्ट कर देगा। तो फॉर्मूला उसके बाद पहले आप राउंड के फॉर्मूले को सीखते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे कुछ नंबर्स लिखा और राउंड निकल दिया, तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। पहला है राउंड, राउंड मतलब कि नियरेस्ट को दिखाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो दिखाएगा आपका कि 36 हो गया, इसी में अगर मैं 6 कर दूं तो 27 दिखेगा, तो ये नियरेस्ट दिखाता है। उस तरह से आपके डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है तो यहाँ 0 के जगह पे आप दे दीजिए 2 डेसिमल प्लेसेस दिखे, तो आपको नियरेस्ट में राउंड करके 2 डेसिमल प्लेसेस दे देगा। ऐसे हमारे पास राउंड अप है, राउंड अप हमेशा अप में दिखाएगा, सो सिलेक्ट करके अगर मैंने यहाँ पे 0 दे दिया तो हमेशा अगला नंबर दिखाएगा डेसिमल्स को रिमूव करके, चाहे वो 26.01 ही क्यों ना। और राउंड डाउन हमेशा डाउन में दिखाता है, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस अगर आपने 0 सेलेक्ट किया तो डेसिमल हटा देगा और जितना प्लेसेस देंगे उतना प्लेसेस डेसिमल देगा। तो तीन चीजें हैं, राउंड राउंड अप राउंड डाउन। अगर इसको लाला जी की तरह सोचिए तो पैसा अगर इंटरनली ट्रांसफर हो रहा है तो राउंड डाउन, किसी से लेना है तो राउंड अप और किसी को देना है तो राउंड डाउन। लेकिन ये तो डेसिमल सी हुई, अगर मुझे नंबर्स को राउंड करने, जैसे फॉर एग्जांपल कि बैन कर दिया है कि हम 500 के मल्टीप्लेक्स में, मतलब कि 500 के मल्टीप्लाई में ही हम क्या करते हैं, एफडी करते हैं, ठीक है।
तो मुझे अगर मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मुझे इसको 500 के राउंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है सेलिंग द फॉर्मूला। मैं नंबर सेलेक्ट किया और यहां पे सिग्निफिकेंट कर दिया 500। या इस तरह से इसको समझे कि आप जो है मान लीजिए कि कोका इसमें क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और आप होलसेलर हैं, आप जो है तो मान लीजिए कि आपके आपके आपका जो बॉक्स है 12 का है, तो आप एक लूज नहीं भेजते और आपके पास मान लीजिए कि 4559 कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर आया है, तो 4559 आप नहीं दे सकते क्योंकि आप बॉक्स दें, तो कितने बॉक्स होगा और कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है सेलिंग। सेलिंग या सेलिंग मैथ दोनों एक ही होता है। इसको सिलेक्ट किया और हमने 12 कर एंड दिस इज डिवाइड बाई 12, 381 कार्टन आप देंगे, क्योंकि आकस्मिक बताएंगे कि 4569 हम नहीं दे पाएंगे, हम आपको देंगे 4572, तो 381 कार्टन। अब कस्टमर ऐसे भी हो सकते हैं, बोलते हैं कि यार 69 की जगह पे थोड़ा मान लो कम भी चल सकता है, तो ये तो ऊपर की तरफ बढ़ा दिया ना आपको। एक और होता है फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, राउंड नाउन की तरह यूज करता है, नीचे की तरफ तो सेलेक्ट करके हमने दिया, बोला कि बता दिया कि 4560 ले सकते हैं, 380 कार्टन या फिर 381 कार्टन ले सकते हैं, जो कि 4572 है। तो सेलिंग और फ्लोर या सेलिंग मैथ एंड फ्लोर मैथ इसी चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले में, मैथमेटिकल में, बाकी तो नॉर्मल फॉर्मूले हैं। फैक्ट है, फैक्टोरियल देता है, फैक्ट डबल, जीसीडी कॉमन बिटेस्ट डिवाइडर दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि भाई 26 और 12 में कॉमन डिवाइडर क्या है, दो जो मतलब होते थे ना, ऐसे एलसीएम अगर निकालना है तो आप लोएस्ट कॉमन डिवाइडर ले सकते, मल्टीप्लेक्स निकाल सकते, एलसीएम इस तरह के यूज होता है। बात है एक राउंड तो सीखा सुना हमने, एक हमारे पास होता है एम राउंड। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 50 नंबर्स ऑफ गिफ्ट है और 17 लोगों में बांटना है, तो 17 लोगों में इक्वली गिफ्ट तो बटेगा नहीं, तो आपके बॉस ने बोला कि बताओ कितने और गिफ्ट ला दूं ताकि 17 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हम लोग चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ते थे कि वो संख्या ज्ञात करें जो 17 का डिवाइडर हो और 50 के नियरेस्ट। तो उसके लिए हम लोग एक्सेल में एम राउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि 50 और 17 हमने डाल दिया, बता दिया 51, जो 17 से डिवाइडर है 50 के नियरेस्ट है, एम राउंड का फॉर्मूला। छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका मोड आता है, मोड फॉर्मूला भी सही है। जैसे कि 14 है और हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, इसका जो शेष फल होता है वो शेष फल निकालता है मोड। और इसको मैं रो फॉर्मूले में समझाया था, या भी इसको ही कह सकते हैं जैसे कि डेसिमल्स वगैरह हटाने के लिए भी यूज किया, सिर्फ डेसिमल्स को रिमूव निकालना है तो हम लोग मोड करते हैं और इसमें सेलेक्ट करते हैं वन, क्योंकि मैथमेटिकल थ्योरी कहती है कि किसी भी नंबर को 1 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका शेष फल 0 आता है, लेकिन अगर डेसिमल में है उसका शेष फल डेसिमल।
ये आपका मोड का वो बना। अब इसके बाद मोड के बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका ऑड ऑड नंबर देता है, इवन इवन नंबर देगा, पाई पाई का मान देता है, पावर स्क्वायर निकालता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, आप दे यूज कर सकते हैं। रेयर बिटवीन हमेशा यूज करता ही है, रोमन राउंड राउंड अप मैंने बता ही दिया, राउंड के फॉर्मूले। उसके बाद आपका स्क्वायर टी है, स्क्वायर रूट निकालता है, जैसे मैंने 16 दे दिया तो बताएगा 16 का स्क्वायर रूट या 15 का स्क्वायर रूट कितना है, स्क्वायर रूट आपको बताता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला मोटा मोटी मैंने फॉर्मूले बताया, इसमें सब टोटल भी बता ही दिया, सम तो पता ही है, बाकी तीन फॉर्मूले हैं सम इफ, सम इफ्स एंड सम टोटल, सब टोटल। ए फॉर्मूले हम आपको कल बताएंगे, ए फॉर्मूले अकेले नहीं सीखे जा सकते, इसको हम बोलते हैं डेटा समराइजेशन फॉर्मूला। तो इससे ऊपर जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एक बार देख लें, अगर आपको इसमें देखिए जो मेन मेन फॉर्मूले मैंने बता दिया, देखिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि यूजलेस है, लेकिन फिर भी लगता है आपको कि आपको यूज है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है जी, कान जी, विकास जी, अनाफिया जी, तो देख लीजिए जो फॉर्मूला सीखना हो बता देंगे, अदरवाइज कल हम बात करेंगे सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, तीन फॉर्मूले इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा समराइजेशन के। और जो लोन वाला प्रोजेक्ट दिया था उसमें ये यूज होंगे, और लोन वाला प्रोजेक्ट आपने बना के भेजा ही नहीं तो बोले क्या, प्लीज कुछ कीजिए, बनाइए और भेजिए सर।